नमस्कार दोस्तों, मैं मीनाक्षी अपनी आज की इस वीडियो में लेके आई हूँ ये मल्टी कलर डिज़ाइन। यह है इसका फ्रंट पार्ट, आगे का हिस्सा, और यह है इसका बैक पार्ट, पीछे का हिस्सा। ये जो डिज़ाइन है ये टोटल 4 सिलाई का डिज़ाइन है जिसे हमने हर कलर के साथ रिपीट करना है। इस डिज़ाइन में मैंने अभी जो है ये 3 कलर यूज़ किए हैं, ऑफ वाइट, पिंक और ब्लू। ये मैंने 3 कलर यूज़ किए हैं, आप इसकी जगह 4 कलर भी यूज़ कर सकते हो, 2 कलर भी यूज़ कर सकते हो। एक कलर जो हमारा ऑफ वाइट कलर है वो मेन कलर है। हमने जब ये मैंने 3 कलर के साथ जो बनाया है, हमने जब भी अपने मेन कलर के बाद दूसरा कलर यूज़ करना है, एक बार ये कलर यूज़ करने के बाद, जो सेकेंड कलर यूज़ करने के बाद, थर्ड कलर यूज़ करने से पहले हम अपने मेन कलर को यूज़ करेंगे। ये हमारा मेन कलर है, ये फर्स्ट कलर है, ये सेकंड कलर है। पहले हम मेन कलर यूज करेंगे, उसके बाद फर्स्ट कलर यूज करेंगे, फिर मेन कलर यूज करेंगे, फिर फर्स्ट, मतलब इसी तरह से हमने इसको रिपीट करना है। अभी जो ये मैंने डिजाइन बनाया है 3 कलर के साथ बनाया है, आप 4 के साथ भी बना सकते हो। मतलब कई बार हमारे पास छोटे छोटे गोले उनके बच जाते हैं, तो हम 4-5 या हर मेन कलर के बाद हर जो ये मैंने ब्लू और पिंक कलर जो यूज़ किया है, इसकी जगह हम हर बार एक नया कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज का जो डिज़ाइन है वो हम 3 कलर के साथ ही बनाएंगे। अभी जो मैं डिज़ाइन बनाऊंगी वो भी 3 कलर के साथ ही बनाऊंगी। जो सैम्पल डिज़ाइन बनाना है उसके लिए मैंने लिया है, एक ये है ऑफ वाइट कलर, दूसरा है ये स्काई ब्लू कलर, और तीसरा है हमारा ये ब्लू कलर। इस डिज़ाइन को हम 2 कलर के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन अब मैं यहाँ पे जो इस वीडियो में 3 कलर यूज़ करूँगी इस डिज़ाइन को बनाने के लिए। ये जो डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन के लिए हमें 2 के मल्टीपल में फंदों की ज़रूरत होगी, एक फंदा एक्स्ट्रा डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए, और 4 होंगे हमारे एच स्टिच, 2-2 एच स्टिच दोनों तरफ। आज का जो डिज़ाइन है वो हम डालेंगे 21 फंदों के साथ, 2 के मल्टीपल में 16 फंदे, एक फंदा एक्स्ट्रा डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए, और 4 होंगे हमारे इसमें एच स्टिच, 2-2 एच स्टिच दोनों तरफ। अभी 21 फंदों के साथ हम अपनी बुनाई के सीधी तरफ हैं। बॉर्डर बुनने के बाद, जिस तरह से भी आप अपना बॉर्डर बना रहे हो, जिस भी पैटर्न में आप अपना बॉर्डर बना रहे हो, बॉर्डर बनाने के बाद जो हमारा मेन कलर होगा, सबसे पहले हम उसकी 2 सिलाई डालेंगे। पहला फंदा बिना बुने उतारा, और उसके बाद सारे फंदे हमने सीधे बुनने हैं। इस डिज़ाइन की ये 2 फाउंडेशन रो हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो 2 सिलाई होंगी इनको हमने फिर रिपीट नहीं करना। पहली सिलाई, पहला फंदा बिना बुने उतारा, और उसके बाद सारे फंदे हम सीधे बुनेंगे, पूरी सिलाई हमारी सीधी बुनी जाएगी, चाहे वो एच स्टिच है और चाहे वो पैटर्न के फंदे हैं। और ये जो एक सिलाई सीधी और एक सिलाई उल्टी, इसको हम दोहराएंगे नहीं। अब आगे उल्टी तरफ, पहला फंदा बिना बुने उतारा, और उसके बाद सारे फंदे हमने उल्टे बुनने हैं, पूरी सिलाई हमारी उल्टी बुनी जाएगी, सारे फंदे हम उल्टे बुनेंगे। ये होगी हमारी 2 बेस रो। अब यहां से हमने जो है अपना दूसरा कलर शुरू करना है, वहीं से हमारा पैटर्न शुरू होगा। तो यहाँ पे मैं ये स्काई ब्लू कलर है इसको शुरू करूँगी, इसको हम पीछे अटैच करेंगे, और बहुत ध्यान से, ताकि ये कलर जो है हमारा निकले ना, मतलब कि ऊन हमारी जो है वो निकले ना, तो इसको हमने यहाँ पीछे इस तरह से अटैच करना है। ये डाल के यहाँ से मैं इसको अटैच करूँगी। इसको हम पीछे जो है नॉट लगा देंगे, ताकि बुनने के बाद हमारी जो ऊन है वो निकले ना। ये हो गया हमारा दूसरा कलर जो हमने अटैच किया है। तो पहली 2 सिलाई थी हमारी फाउंडेशन रो, उसके बाद हमने ये कलर चेंज किया है अपना, तो यहां से हमारा जो है मेन पैटर्न शुरू होगा। 4 सिलाई का पैटर्न है, हर 4 सिलाई के बाद हमने अपनी ऊन को चेंज करना है, और डिजाइन जो है 4 सिलाई का ही है, उन्हीं को हमने रिपीट करना है।
डिज़ाइन की पहली सिलाई, पहला फंदा बिना बुने उतारा, ये हमारा एच स्टिच है। दूसरा फंदा भी हमारा एच स्टिच है, इसे हमने सीधा बुनना है। ये दोनों एच स्टिच हर सीधी सिलाई में इसी तरह से बुने जाएंगे, पहला फंदा बिना बुने उतारा, दूसरा फंदा सीधा बुना। इसके बाद हमारे जो पैटर्न के फंदे हैं उसमें से पहला फंदा सीधा बुना, दूसरा फंदा बिना बुने उतारा, एक फंदा सीधा बुना, दूसरा फंदा बिना बुने उतारा, इस फंदे को सीधा बुना, दूसरा फंदा बिना बुने उतारा, एक फंदा सीधा बुना, दूसरा फंदा बिना बुने उतारा, एक फंदा सीधा, दूसरा फंदा बिना बुने उतारा। पूरी सिलाई हमारी इसी तरह से बुनी जाएगी। जितने भी हमारे पैटर्न के फंदे हैं, एक फंदे को हमने बुनना है और दूसरे फंदे को, उसके साथ का जो फंदा है उसे हमने बिना बुने उतारना है, और ये दोनों एच स्टिच सीधे बुने जाएंगे। ये होगी हमारे डिजाइन की पहली सिलाई। अब आगे हम अपनी दूसरी सिलाई पे, पहला फंदा बिना बुने उतारा और दूसरा फंदा उल्टा बुना, ये दोनों हमारे एच स्टिच हैं। हर उल्टी सिलाई में इनको हमने इसी तरह से बुनना है, पहला फंदा बिना बुने उतारना है, दूसरा फंदा उल्टा बुनना है। अब यहाँ पे जिस फंदे को हमने बुना था उसको हमने बुनना है, और जिस फंदे को बिना बुने उतारा है उसको हमने बिना बुने उतारना है। मतलब कि पहली दोनों सिलाई में हमने जिस फंदे को सीधी सिलाई में बुना था उसी फंदे को हमने उल्टी सिलाई में बुनना है, जिस फंदे को हमने बिना बुने उतारा था सीधी सिलाई में उसी फंदे को हमने उल्टी सिलाई में भी बिना बुने उतारना है। तो ये भी हो जाएगा, एक फंदा बुना, दूसरा फंदा बिना बुने उतारा, एक फंदा बुना, दूसरा फंदा बिना बुने उतारा। पूरी सिलाई हमारी इसी तरह से बुनी जाएगी। एक फंदा जिसे हमने सीधी सिलाई में बुना था उसको बुनना है, और जिसे हमने सीधी सिलाई में बिना बुने उतारा था उस फंदे को हमने बिना बुने ही उतारना है। पहली दोनों सिलाई हमारी इसी तरह से जाएंगी। ये है हमारे डिजाइन की पहली सिलाई, ये है हमारे डिजाइन की दूसरी सिलाई, और ये हमारे जो इसको हमने उल्टा बुना, और ये दोनों एच स्टिच इनको भी हम उल्टा बुनेंगे। तो ये होगी हमारी दूसरी सिलाई। यहां पे एक फंदा जो है हमने बुना, दूसरे फंदे को बिना बुने उतारा, सीधी सिलाई में भी और उल्टी सिलाई में भी। अब आगे हम अपने डिजाइन की तीसरी सिलाई पे, अब तीसरी सिलाई इसी कलर के साथ ही आएगी क्योंकि एक कलर की हमने चार सिलाई डालनी है। तो दो सिलाई बुनने के बाद इसी कलर को हमने दोबारा रिपीट करना है। पहला फंदा बिना बुने उतारा, दूसरा फंदा सीधा बुना, दोनों एच स्टिच हैं। अब इसके बाद ये जो हमारा फंदा है इसे हमने पिछली सिलाई में सीधा बुना था, मतलब कि इसको बुना था, इस फंदे को बिना बुने उतारा था। तो अभी तीसरी सिलाई में हमने इस फंदे को, जो डिजाइन का फंदा है, इसे बिना बुने उतारना है, और ये जिस फंदे को हमने बुना नहीं था, बिना बुने उतारा था, उसको हमने बुनना है। ये फंदा बिना बुने उतारा और इस फंदे को हमने बुनना है। मतलब कि वही सिलाई है जिसको हम, एक ही सिलाई है जिसको हम रिपीट कर रहे हैं। मतलब एक फंदा बिना बुने उतारना है, दूसरे फंदे को हमने बुनना है, लेकिन दो सिलाई के बाद जब तीसरी सिलाई हमने बुननी है तो जिस फंदे को बुना था उसे बिना बुने उतारना है, और बिना बुने जिस फंदे को उतारा है उसको हमने बुनना है। तो ये फंदा हमारा पिछली बार हमने बुना था, इस बार बिना बुने उतारा और इस फंदे को हमने बुनना है। ये फंदा बिना बुने उतारा और इस फंदे को हमने बुनना है। तो पूरी सिलाई हमारी इसी तरह से बुनी जाएगी। ये है हमारे डिजाइन की तीसरी सिलाई। एक फंदा बुनना है और दूसरा फंदा बिना बुने उतारना है। इस फंदे को बिना बुने उतारा और ये दोनों एच स्टिच सीधे बुने। ये होगी हमारी डिजाइन की तीसरी सिलाई। अब आगे हम अपने डिजाइन की चौथी सिलाई पे, पहला फंदा बिना बुने उतारा, दूसरा फंदा उल्टा बुना, दोनों एच स्टिच हैं। अब यहाँ पे ये जो फंदा है इसे हमने बिना बुने उतारना है,
इस ऊन से हमें पता चल जाता है कि कौन सा फंदा हमने बिना बुने उतारा था पिछली सिलाई में। इस फंदे को बिना बुने उतारा, इस फंदे को उल्टा बुना। एक फंदा बिना बुने उतारा, दूसरा फंदा उल्टा बुना। पूरी सिलाई हमारी इसी तरह से बुनी जाएगी। एक फंदा बुना, दूसरा फंदा बिना बुने उतारा। 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 एक फंदा बुना, दूसरा फंदा, ये दोनों एच स्टिच हैं तो ये दोनों बुने जाएंगे। ये होगी हमारी चार सिलाई डिजाइन की। यही चार सिलाई है जिनको हमने बार बार दोहराना है, और जब भी एक बार चार सिलाई बुननी है उसके बाद हम अपने कलर को चेंज करेंगे और उन्हीं चार सिलाई को दोबारा रिपीट करेंगे। अब इसके बाद फिर दोबारा हमने ये जो हमारा ऑफ वाइट है इसके साथ बुनेंगे। ये चार सिलाई को ये ऑफ वाइट कलर के साथ दोहराएंगे। पहला फंदा एच स्टिच है, इसे हम बिना बुने उतारेंगे, और दूसरा फंदा जो है उसे हमने सीधा बुनना है। अब यहाँ पे ये जो पैटर्न का फंदा है, जब हमने पहली सिलाई बुनी थी तो इस फंदे को हमने बुना था, और इस फंदे को बिना बुने उतारना। मतलब कि इस फंदे को अगर इसे हम इस सिलाई में देखेंगे तो ये फंदा वो था जिसे हमने बिना बुने उतारा था, यहाँ पे इस तरह से देखेंगे अगर तो। और इस सिलाई में हमने इस फंदे को बुनना है और इस फंदे को बिना बुने उतारना है। मतलब हर बार हमने वही करना है कि जिस फंदे को पिछली सिलाई में बिना बुने उतारा है उसे अगली सिलाई में बुनना है, जिस फंदे को हमने बुना है उसे हमने बिना बुने उतारना है। तो ये फंदा हमारा बुना जाएगा और इस फंदे को हमने बिना बुने उतारना है। ये फंदा हमारा बुना जाएगा और इस फंदे को बिना बुने उतारना है। यहाँ से हमें पता चल जाता है कि हमारा जो ये फंदा है हमने पिछली बार इसे बुना नहीं था, तो इस फंदे को हम बुनेंगे। एक फंदा बिना बुने उतारा, एक फंदा बुना, एक फंदा बिना बुने उतारा, एक फंदा बुना, एक फंदा बिना बुने उतारा, एक फंदा बुना, ये फंदा बिना बुने उतारा, इस फंदे को बुना, और ये दोनों एच स्टिच, इनको भी बुना। अब आगे हम अपने डिजाइन की उल्टी तरफ, पहला फंदा बिना बुने उतारा, दूसरा फंदा उल्टा बुना। अब यहाँ पे ये जो फंदा है इसे हम बुनेंगे और इस फंदे को बिना बुने उतारेंगे। एक फंदा बुना, दूसरा फंदा बिना बुने उतारा। पूरी सिलाई हमारी इसी तरह से बुनी जाएगी। ये है हमारे डिजाइन की दूसरी सिलाई। मतलब कि ये जो डिजाइन है में चार सिलाई का डिजाइन है जिसे हमने बार बार दोहराना है। और ये दोनों एच स्टिच ये भी हमारे उल्टे बुने जाएंगे। अब आगे हम अपने डिजाइन की अगली सिलाई पे, पहला फंदा बिना बुने उतारा, दूसरा फंदा सीधा बुना। अब यहाँ पे इस फंदे को हमने बिना बुने उतारना है और इस फंदे को बुनना है। एक फंदा बिना बुने उतारा, दूसरे फंदे को बुना। पूरी सिलाई हमारी इसी तरह से बुनी जाएगी। हमने सिर्फ पूरे डिजाइन में एक ही चीज का ध्यान रखना है कि जिस फंदे को हमने पहली सीधी सिलाई में बुनना है, दूसरी सीधी सिलाई में उसी फंदे को हमने बिना बुने उतारना है। इस फंदे को बिना बुने उतारा और ये दोनों फंदे उल्टे बुने। अब आगे हम अपनी उल्टी सिलाई पे, पहला फंदा बिना बुने उतारा, दूसरा फंदा उल्टा बुना। अब इस फंदे को
बिना बुने उतारा, इस फंदे को उल्टा बुना। ये फंदा बिना बुने उतारा, एक फंदा उल्टा बुना। एक फंदा बिना बुने उतारा, दूसरा फंदा उल्टा बुना। पूरी सिलाई हमारी इसी तरह से बुनी जाएगी। आप चाहो तो इसी तरह से ये जिस तरह से ये अभी दो कलर से हमने बनाया है, इन्हीं दो कलर्स को भी रिपीट कर सकते हो, तीन कलर्स को भी रिपीट कर सकते हो, या कई बार ये होता कि बहुत सारे छोटे छोटे गोले उनके बच जाते हैं, तो आप उन छोटे छोटे गोलों को भी इस तरह से यूज कर सकते हो कि हर बार आप एक नया कलर यूज करो। अब यहाँ पे हम अपना तीसरा कलर जो है उसको अटैच करेंगे। तो अभी मैंने ये तीसरा कलर अटैच कर लिया है इसके साथ, तो अब यहाँ पे हम ये तीसरे कलर के साथ बनाएंगे। अभी पहले हमने ऑफ वाइट से शुरू किया था, जो है हमारा ये बॉर्डर है, ये जो हमारी नीचे का हिस्सा है, उसके बाद हमने ये स्काई कलर यूज किया। स्काई कलर यूज करने के बाद दोबारा हमने ऑफ वाइट यूज किया। अब यहाँ पे मैं ये तीसरा कलर यूज कर रही हूँ। पहला फंदा बिना बुने उतारा, दूसरा फंदा सीधा बुना। अब यहाँ पे हम ये जो हमारा फंदा, पिछली बार हमारा ये फंदा बिना बुने उतारा था हमने, यहाँ से हमें जो है पता चलता है। तो यहाँ अब इस फंदे को बुनेंगे, इस फंदे को बिना बुने उतारेंगे, तो ये पूरी जो है हम पहली सीधी सिलाई जो है हमारी उसे रिपीट करेंगे कि एक फंदा बिना बुने उतारा और दूसरा फंदा सीधा बुना। एक फंदा बिना बुने उतारा और दूसरा फंदा सीधा बुना। जब हमने ये डिज़ाइन शुरू करना है तो पहली सिलाई में एच स्टिचेस के साथ हमारा जो है पहला फंदा बुना जाएगा, और जब दूसरी हमारी सीधी सिलाई होगी उसमें हमने अपनी जो है एच स्टिच के साथ के फंदा जो है वो उसको हमने बिना बुने उतारना है। तो अब ये उल्टी सिलाई बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से हमने पिछले दो कलर में अपनी उल्टी सिलाई डाली है कि एक फंदा बिना बुने उतारा, दूसरा फंदा हमने बुनना है। बहुत ही आसान डिज़ाइन है, चार सिलाई का डिज़ाइन है, उन्हीं को हमने रिपीट करना है। हर सिलाई में एक फंदा बुनना है, दूसरा फंदा बिना बुने उतारना है। तो इस तरह से हम ये जो है अपने कलर को रिपीट करेंगे चार सिलाई के साथ, चार सिलाई को रिपीट करेंगे अलग अलग कलर के साथ। अब फिर दोबारा हम जो है इस कलर को दोबारा यूज करेंगे, मतलब कि एक कलर की चार सिलाई डालनी है, उसके बाद हमने कलर को चेंज करना है। अब आगे हम इसकी दूसरी सिलाई पे, पहला फंदा बिना बुने उतारा, दूसरा फंदा सीधा बुना। अब इस फंदे को हम बिना बुने उतारेंगे और ये दूसरे फंदे को हमने बुनना है। जो तीसरी सिलाई है हमारी उसमें हमने एच स्टिचेस के साथ पहला फंदा जो है उसे बिना बुने उतारना है। मतलब कि एक फंदा हमने बिना बुने उतारना है और दूसरा फंदा बुनना है। पिछली सिलाई में जिस फंदे को हमने बिना बुने उतारा है, अगली सिलाई में हमने उस फंदे को, अगली सीधी सिलाई में हमने उस फंदे को बुनना है। मतलब कि पहली दो सिलाई में जिस फंदे को बिना बुने उतारेंगे उसे हमने सीधी और उल्टी दोनों सिलाई में ही बिना बुने उतारना है। एक फंदा बुनना है, एक फंदा बिना बुने उतारना है दोनों सिलाई में, चाहे वो सीधी है और चाहे वो उल्टी है, दोनों सिलाई में वो फंदा बुना नहीं जाएगा। और जब हमने दो सिलाई के बाद तीसरी सिलाई बुननी है तो उसमें जो फंदा बिना बुने उतारा था उसको बुनना है, और चौथी सिलाई में भी उसको वैसे ही रिपीट करना है। तो इस तरह से हमने ये चार सिलाई जो है वो रिपीट करते हुए अपने डिजाइन को पूरा करना है। इसमें आप दो कलर यूज कर सकते हो, तीन कलर यूज कर सकते हो, चार कलर यूज कर सकते हो, अपने हिसाब से और अपनी इच्छा से। एक कलर होगा मेन और उसके बाद आप चाहे
हर बार जितनी बार भी आपने 4 सिलाई के बाद रिपीट करना है, मेन कलर के बाद आप एक अलग कलर भी यूज़ कर सकते हैं।